और गजब्र बाबा उनको बहुत खुशी हो रहा है, इसलिए अपन टपोरी बोल रहा क्या। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल क्रिकेट टीम के लिए। ये जुड़ी हुई है यहाँ पे खबर वुमेन्स क्रिकेट से लेकर, और मैं आपको बता दूं कि जल्द यानी कि बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है वुमेन्स एमर्जिंग एशिया कप 2023, और उसके अंदर नेपाल की पूरी स्क्वाड तैयार हो चुकी है। अब ये बात करनी होगी हमें कि नेपाल किस किस टीमों से भिड़ेगा लीग मैच के अंदर, और अच्छा रहा तो नेपाल को और कौन सी खतरनाक टीमों से भिड़ना पड़ सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये खबर होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहे वीडियो के अंदर। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि एशिया कप अब ये शुरू कब होने वाला है, तो डेट रहेगी 12 से 21 जून 2023, यानी कि एक बहुत तगड़ा माहौल बनने वाला है। इसके साथ साथ अगर बात करें इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, तो एशिया क्रिकेट काउंसिल कर रहा है। क्रिकेट फॉर्मेट की बात करें तो ये 20-20 ओवरों का मैच रहने वाला है। और वहीं पर अगर बात करें टूर्नामेंट फॉर्मेट की, तो ग्रुप राउंड करेगा और उसके बाद यहां पे नॉकआउट खेला जाएगा। होस्ट की बात करें तो ये मैच होने वाले हैं हांगकांग के अंदर, और पार्टिसिपेट करने वाली हैं 8 टीमें, काफी ऐसे कहें कि 8 बेहतरीन टीमें। इन 8 टीमों के बीच कम से कम यहां पे 15 मैच होने वाले हैं, और बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि 8 टीमें कौन सी हैं, तो बांग्लादेश की ए टीम है यानी कि मैन टीम नहीं है, हांगकांग की मैन टीम है, वहीं पे इंडिया की ए टीम है मैन टीम नहीं है, मलेशिया की यहाँ पे मैन टीम है, नेपाल की जो मैन टीम है वो है, पाकिस्तान ए यानी कि मैन टीम नहीं है, श्रीलंका की ए टीम है यानी कि मैन टीम नहीं है, यूनाइटेड अरब इमारात यानी कि इनकी भी मैन टीम है। अब इसके अंदर ग्रुप ए की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे बांग्लादेश है, हांगकांग है, और उसके बाद इंडिया है, और एक और है मलेशिया। यानी कि दूसरा ग्रुप जो बचता है उसके अंदर बचते हैं यूनाइटेड अरब इमारात, श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल। यानी कि लीग मैचों के अंदर नेपाल को भिड़ना होगा पाकिस्तान से, श्रीलंका से और यूनाइटेड अरब इमारात से। और अगर लीग मैच के अंदर अच्छा प्रदर्शन होता है तो फिर आगे कंफर्मली पता है कि इंडिया जाने वाला है क्वालिफाई या फिर नॉकआउट मैचों के अंदर, उसके बाद जाने वाला है बांग्लादेश, इनके साथ भी भिड़ना होगा। तो आप सोच सकते हैं कि जबरदस्त यहाँ पे टीमों के साथ नेपाल की वुमेन्स टीम टकराने वाली है इस यहाँ पे जो एशिया कप होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि नेपाल के पास कौन है कैप्टन, कौन है विकेट कीपर, और पूरी स्क्वाड क्या है। मैं आपको बता दूं कि कैप्टन के रूप में रुबीना छेत्री हैं, इसके साथ साथ अगर बात करें विकेट कीपर की तो वो हैं ज्योति पांडे, और इसके साथ साथ सीता राणा मगर भी हैं, इंदु वर्मा भी हैं, कविता कुंवर भी हैं, और इसके बाद बात करें तो बिंदु रावल भी इसके अंदर हैं। ज्योति पांडे मैंने आपको बता दिया, और अगर बात करें समझना कुमारी खड़का भी हैं, इसके साथ साथ काजल हैं, कृतिका हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे सरस्वती कुमारी भी हैं, वे चौधरी क्या बात है, आसमीना यहाँ पे खेलने वाली हैं, और अगर बात करें आस कुमारी बीस्ट भी हैं, एफसारी बेगम भी हैं, और कविता जोशी भी है। यानी कि टीम के अंदर तो कोई कमी दिखाई दे नहीं रही। अभी जस्ट पहले ही एक जो बायलैटरल सीरीज होती है वो जीत कर यहाँ पे जो खुद को साबित किया है नेपाल की टीम ने, उसी की बदौलत अब यहाँ पे ये रहेगा कि जो वुमेन्स एमर्जिंग एशिया कप है वो भी जीत के दिखाए, और कहीं ना कहीं जो एशिया कप के लिए क्वालिफाई करी है नेपाल की मेंस टीम उनको ये बताए कि हमने जीत लिया है, अब आप भी कुछ करके दिखाइए, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे एसीसी कप जीता था और अब की बार अच्छा प्रदर्शन रहा था। जरूर है कि कल वाले मैच में हार का सामना करना पड़ा, हो जाता है कई बार, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मैच था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके अंदर कौन सी टीमें सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे ग्रुप बी है जिसके अंदर नेपाल है, उसके अंदर दोनों ही टीमें काफी ज्यादा खतरनाक है, श्रीलंका और पाकिस्तान। यूनाइटेड अरब इमारात के साथ पाकिस्तान सॉरी जो नेपाल है वो कई बार खेला भी है और उनसे भिड़त हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नई टीमों के साथ खेलना काफी ज्यादा यहाँ पे खतरनाक भी होता है और एक्सपीरियंस की भी कमी रहती है, जिसकी बदौलत आपको सरफेस करना पड़ता है
जाता है उन चीजों को जो आप पहले से नहीं जानते हैं। अब देखना ये होगा कि जो वुमेन्स टीम है वो कितना अच्छा करके दिखाती है, क्या यहाँ पे वुमेन्स इमर्जिंग एशिया कप 2023 के हकदार बनेंगे या नहीं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।